Hello everyone, I hope you all are doing fine. Welcome to my channel. My name is Shweta Sharma and today in this video we will be discussing about how to study dental anatomy, dental embryology and oral histology. Subject padhne se pehle aapko at least basic pata hona chahiye ki hame is overall subject mein kya kya padhna hai. ऑलराइट तो आज के इस वीडियो में हम सारा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं. बुक्स आपको पता ही होंगे, व्हीलर्स एंड ऑर्बन्स, दीज आर अनचेंजेबल. आपको इनके अलावा कोई और पढ़नी ही नहीं है. ऑलराइट तो ये दोनों बुक आपको लेके आनी है. एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू DCI, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया. इसके अलावा आपका और कहीं से सिलेबस आता ही नहीं है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो. ऑलराइट तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं टूथ मोर्फोलॉजी. ये होता है हमारा डेंटल एनाटॉमी का पार्ट. फिर हम पढ़ेंगे डेंटल एम्ब्रियोलॉजी में क्या क्या हमें पढ़ना होता है. फिर हम पढ़ेंगे ओरल हिस्टोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है. ओके तो डेंटल एनाटॉमी में हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे. सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू टूथ मोर्फोलॉजी. इसमें सबसे पहले आपको ह्यूमन डेंटिशन के बारे में बताया जाता है कि कैसे कैसे दांत होते हैं, कितने होते हैं, यानी कि प्राइमरी जो हम मिल्क टीथ कहते हैं, दूध के दांत होते हैं, यानी कि जो बच्चों में आते हैं, इन्हें हम डेसिड्यूस टीथ भी कहते हैं. ये कैसे होते हैं, कितने होते हैं और परमानेंट टीथ कितने होते हैं. उसके बाद इनकी नंबरिंग होती है, यानी कि हमारे अगर 32 दांत हैं तो उन सब वन बाई वन सभी का अलग अलग नंबर होता है. ओके तो उनकी आपको नंबर सिस्टम पता होने चाहिए. उनकी सरफेसेस क्या होती हैं. सरफेसेस बोले तो अगर हमारा दांत है, अगर हमारी लिप की तरफ है उनकी उसके जो सरफेस, उसे हम कहते हैं लेबियल सरफेस. और हमारे दांत की जो अंदर की सरफेस होती है टंग की तरफ, उसे हम कहते हैं लिंगुअल सरफेस. ऐसे ही बहुत सारी सरफेसेस होते हैं. ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको यहीं पे पढ़ा दी जाती हैं ताकि आगे आने वाले कोर्स में आपके लिए ईजी हो. ऑलराइट तो ये फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपका बेसिक बनता है. उसके बाद इसके जंक्शन कौन से होते हैं, लाइन एंगल किसे कहते हैं, पॉइंट एंगल किसे कहते हैं, इनमें क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट 5 मार्क्स का. उसके बाद जो बेसिक टर्म्स होते हैं, कॉन्टैक्ट एरियाज क्या होते हैं, एम्ब्रेजर्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं. सी आप ये सब पढ़ रहे हैं क्यों, क्योंकि क्लिनिक में इनकी क्या खासियत होगी, इनका क्या यूज़ होगा, इसलिए. राइट तो इन सभी की आप क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ना ना भूलें. ओके तो ये सभी बातें आपको 5 मार्क्स के बेसिस पे करनी है. उसके बाद आता है कार्विंग से रिलेटेड, यानी कि परमानेंट टीथ में जितने भी हमारे 32 टीथ होते हैं, वन बाय वन हम सभी की कार्विंग करते हैं और उन सभी की हमें पता होनी चाहिए मोर्फोलॉजी, यानी कि हम उनको पहचानेंगे कैसे. और अगर ये दो दांत हैं बिल्कुल बीच वाले, मैं बेसिक से ये पढ़ा रही हूँ, अगर आपने अभी तक कोई भी क्लास नहीं ली है तो आपको यहाँ पे इजीली समझ में आएगा. तो जो हमारे बीच वाले, ऊपर वाले, बीच वाले दांत होते हैं उनको हम कहते हैं सेंट्रल इंसाइजर्स, और ऊपर वाले होते हैं उनको हम कहते हैं मैक्सिलरी, और नीचे वाले जो होते हैं उनको हम कहते हैं मैंडिबुलर. ओके तो जो हमारे मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स होते हैं उनमें लेफ्ट में और राइट में क्या डिफरेंस होता है, तो हमें इन सभी के बारे में भी पढ़ना होता है कि लेफ्ट वाले इसमें और राइट वाले इसमें क्या डिफरेंस होगा. ओके तो ये होती है मोर्फोलॉजी. अब मोर्फोलॉजी ऑफ परमानेंट टीथ एंड मोर्फोलॉजी ऑफ डेसिड्यूस टीथ, यानी कि मिल्क टीथ जिसे हम कहते हैं, इन दोनों की अलग अलग चैप्टर होते हैं, इन दोनों में आपको पढ़ने हैं. और 10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, या तो केवल एक टूथ पे ही आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्वेश्चन आया है फर्स्ट प्री मोलर, तो उसके बारे में आपको क्या क्या लिखना होता है. सबसे पहले तो आपको इसके बारे में बताना होता है कि ये दांत कौन सा है. उसके बाद इसके आपको टूथ नंबरिंग लिखनी है. ऑलराइट उसके बाद आपको इसके लेबियल एस्पेक्ट बतानी है, फिर आपको लिंगुअल एस्पेक्ट बतानी है, फिर ओक्लूजल, मीजियल, डिस्टल एंड फाइनली इसकी रूट लेंथ बतानी है, रूट की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए. ये सभी बातें आपको हर एक दांत के बारे में लिखनी होती है. इसके अलावा 10 मार्क्स का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है. वो कैसे आता है, कोई भी दो दांत दे देंगे आपको, उनमें डिफरेंस. ओके फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट इंसाइजर, लेफ्ट सेंट्रल इंसाइजर एंड राइट सेंट्रल इंसाइजर, दोनों मैक्सिलरी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. उसमें भी आपको सेम करना है कि ये कौन सा दांत है ये बताना है, देन इनकी टूथ नंबरिंग लिखनी है, उसके बाद इन दोनों में लेबियल, फिर लिंगुअल, फिर
incisal एंड देन मेजियल डिस्टल रूट. इन सभी में क्या क्या डिफरेंस होता है ये आप ऐसे करके पढ़ेंगे. ओके, इस पे मैंने लेक्चर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं. उसके बाद आता है फोर्थ हमारा ओक्लूजन. ओक्लूजन क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर टीथ. मैक्सिलरी जो मैंने आपको अभी बताया हमारे ऊपर वाले दांत, और मैंडिबुलर जो हमारे नीचे वाले दांत होते हैं वो. तो इन ऊपर और नीचे वाले दांतों के बीच में क्या रिलेशन होता है, रिलेशनशिप यानी कि स्टेबल कैसे होता है, जहाँ पे टच करते हैं, दैट इज़ ओक्लूजन. ओके, ओक्लूजन अगर सही होगा पेशेंट का तभी अच्छे से उसके दांत काम करेंगे, यानी कि तभी हम अच्छे से खाना चबा पाएंगे, सभी फंक्शंस कर पाएंगे. ओके, तो सबसे पहले ओक्लूजन की डेफिनेशन, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग ओक्लूजन यानी कि बेसल बोन, आर्च कैसी है, इंडिविजुअल टीथ, अगर कोई दांत घूमा हुआ है जो मोस्ट कॉमनली प्री मोलर्स रोटेटेड होते हैं थोड़े थोड़े, तो जिसकी वजह से ओक्लूजन ख़राब हो जाता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, सो देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस ओक्लूजन. ओके, तो हमें ये भी पढ़ना है. उसके बाद हम पढ़ते हैं इंक्लिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टीथ. इसमें होता है कॉम्पनसेटरी कर्व्स कि भाई कौन सा दांत किस एंगुलेशन पे होता है. जनरली अगर हम कोई किसी पर्सन को लेटरल एस्पेक्ट से देखेंगे, ओके, यहाँ पे देखिए, तो इसमें हमारा जो मैक्सिलरी टीथ होते हैं वो थोड़े से आगे होते हैं और मैंडिबुलर टीथ थोड़े से पीछे होते हैं, तो ये प्रॉपर एंगुलेशन होती है. तो ऐसे ही हर एक दांत की आपको पढ़नी है. ओके, उसके बाद सेंट्रिक रिलेशन क्या होने चाहिए, सेंट्रिक ओक्लूजन क्या होना चाहिए, दांत ज़्यादा आगे नहीं होने चाहिए, दांत ज़्यादा पीछे नहीं होने चाहिए, अगर होंगे तो क्या होगा, ये सभी बातें आपको इसमें पढ़नी होती हैं. उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ माल ओक्लूजन, तो माल ओक्लूजन यानी कि माल यानी कि एबनॉर्मल, ओक्लूजन यानी कि ओक्लूजन. तो जो जब ओक्लूजन एबनॉर्मल होता है उन्हें हम कहते हैं माल ओक्लूजन. तो ये सभी आपको डेंटल एनाटॉमी में पढ़नी होती हैं. नाउ द नेक्स्ट इज ओरल एम्ब्रियोलॉजी. ओरल एम्ब्रियोलॉजी आप कहाँ से पढ़ेंगे, ये आप इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ फेस, जो, लिप्स, पैलेट एंड टंग, ये सभी आप पढ़ेंगे इंद्रबीर से, जो आपकी एनाटॉमी में एम्ब्रियोलॉजी है उससे. ओके, उसके बाद आपकी डेवलपमेंट ऑफ टीथ, इसमें आपकी एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंट्रैक्शन और बड स्टेज, कैप स्टेज, ये सभी स्टेजेस आपको पढ़नी है. उसके बाद आता है इरप्शन ऑफ डेसिडस एंड परमानेंट टीथ, इनके मैकेनिज्म क्या होता है कि भाई जो दांत है वो इरप्ट कैसे होता है, यानी कि ओरल कैविटी में निकलता कैसे है, इनकी कि जब टूथ की डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं, उस टाइम पे कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये आते हैं हिस्टोलॉजिकल में. ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है फिर हमारा शेडिंग ऑफ टीथ, यानी कि टीथ की क्या क्या शेडिंग मतलब निकलना, तो इनकी क्या क्या टाइम होता है, हर एक दांत का शेड होने का अलग अलग टाइम होता है. उसके अलावा फैक्टर्स क्या क्या कोज करते हैं कि भाई जो डेसिड्यूस टीथ हैं वो अगर निकलेंगे नहीं तो परमानेंट आएंगे कैसे, तो इनका पर्टिकुलर टाइम पे फॉलो होना ज़रूरी है ताकि परमानेंट टीथ इरप्ट हो ओरल कैविटी में, राइट. अगर ये डिलेड इनका शेडिंग हुई, यानी कि बहुत होना चाहिए था 7 साल की उम्र में पर हो रहे हैं ये 8 साल की एज में, तो इसका क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या रीजन्स है, ये सभी बातें हम पढ़ते हैं. ओके, उसके अलावा ओरल हिस्टोलॉजी. ओरल हिस्टोलॉजी, ओरल यानी कि ओरल कैविटी से रिलेटेड, हिस्टोलॉजी यानी कि जो मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोप के अंडर पढ़ना. तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी में क्या क्या आती है ओरल कैविटी में, तो सबसे पहले टूथ की आप स्ट्रक्चर देखिए, ये है क्राउन और नीचे आती है रूट. ओके, सबसे यहाँ पे हम डायग्राम में शो कर देते हैं, इतना पार्ट है रूट, इतना पार्ट है क्राउन. सबसे अंदर जो होता है दैट इज पल्प. ओके, ये ग्रीन वाला जो डार्क ग्रीन है दिस इज पल्प. उसके बाहर की कवरिंग होती है डेंटिन. क्या होती है? डेंटिन. अब सबसे आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर दोनों में डिफरेंट होती है. अब सी, पल्प क्राउन में भी कॉमन थी, रूट में भी कॉमन थी, डेंटिन क्राउन में भी है, रूट में भी है, पर क्राउन में सबसे बाहर की जो लेयर है वो होती है इनेमल और रूट में सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है सीमेंटम. केवल
आउटर लेयर का डिफरेंस होता है रूट में और क्राउन में, अदरवाइज बाकी दोनों पल्प एंड डेंटिन सेम होती हैं. ओके, तो चार टिश्यूज हमने पढ़े हैं दांत के अंदर. सबसे पहला पल्प, सेकंड इज डेंटिन, थर्ड इज इनेमल, फोर्थ इज सीमेंटम. तो ये चारों हम पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी के अंदर. सी, इनेमल, डेंटिन, सीमेंटम एंड पल्प. ओके, अब इन चारों के एज चेंजेस, यानी कि एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इन चारों में क्या क्या डिफरेंस आने लगते हैं. ओके, तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, एज चेंजेस इन डेंटिन, एज चेंजेस इन पल्प. तो ऐसे आपको इनके बारे में पढ़ना होता है. उसके अलावा कई बार पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट डेंटिन हो गई, ओस्टियोडेंटिन हो गई. ओके, डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, पल्प कैल्सिफिकेशन क्या होते हैं, हाइपर सीमेंटोसिस, हाइपर का मतलब ज़्यादा, सीमेंटोसिस यानी कि सीमेंटम जमा होना. ओके, तो रूट्स में जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं मैंने अभी बताया वो सीमेंटम होती है, तो जहाँ पे ज़्यादा सीमेंटम बनने लगते हैं दैट इज़ हाइपर सीमेंटोसिस. तो ऐसे ही ओरल कैविटी में जो जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी. उसके अलावा ये तो थी चार लेयर टीथ से रिलेटेड, और हमारी ओरल कैविटी में क्या क्या होता है, पेरियोडोंटल लिगामेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, जो हमारा दांत है, टूथ है, उसकी जो रूट है वो हमारी बोन में फिक्स्ड होती है, पर किसके हेल्प से, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स के हेल्प से. जो पेरियोडोंटल लिगामेंट होते हैं वो हमारी रूट को बोन में फिक्स करके रखते हैं. तो हम पेरियोडोंटल लिगामेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, बोन के बारे में पढ़ते हैं. तो हमारी ओरल कैविटी में जो जो चीज़ें होती हैं उन सभी के बारे में हम ओरल हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं. सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना, उसी के साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सही से मिले. थैंक यू एंड बी हैप्पी.